जैन भाइयों, तो भाइयों जैसा कि बोला गया था कि हमारे 2022 में जनवरी के फर्स्ट वीक में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा भर्तियां की, तो मेरा भाई फर्स्ट भर्ती हमारा 2022 का आ चुका है, जो BSF का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो BSF सिटी ट्रेड्समैन का है, जिसमें कुल 2788 पोस्ट हैं। तो मैं आप लोगों को करके बताऊँगा और दिखाऊँगा कि कितने क्या है, नहीं है, कितना हाइट चेस्ट वेट लिया जा रहा है, तो मैं आप लोगों को जब बताऊँगा। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो भाइयों, आप लोग देख सकते हो कि हमारे BSF का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ देख सकते हो न्यू दिल्ली से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विल बी सून रिलीज ए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल इन BSF फॉर द ईयर 2022। तो भाई, यहाँ कैंडिडेट का अप्लाई दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन BSF। तो ये मेरा भाई ऑनलाइन भर्ती है, मतलब फॉर्म अप्लाई आपका ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद मेरे भाई किस में क्या है नहीं है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो BSF सिटी ट्रेड्समैन 2022 इम्पोर्टेंट डेट्स, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 15 जनवरी से स्टार्ट होगा हमारा, और इसका लास्ट रहेगा, लास्ट दिन रहेगा, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 28 फरवरी 2022 तक रहेगा मेरे भाई। और इसमें फ्री फीस पेमेंट लास्ट डेट है, लास्ट डेट मैंने बताया आपको, और जैसे कि 28 फरवरी दिया गया है, और एग्ज़ाम का डेट जून में होगा, वो अभी बताया नहीं गया, सिर्फ जून बताया गया है। और मेरे भाई BSF सिटी ट्रेड्समैन 2022 वैकेंसी डिटेल, मतलब कुल कितने वैकेंसी है और क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पोस्ट मेल और फीमेल टोटल, सिटी कोबलर के लिए है 28 है, 3 है, 91 है। उसके बाद है सिटी टेलर के लिए 47,249, उसके बाद सिटी कुक 897,47,944, उसके बाद है सिटी वाटर करियर तो 510 है, 27 है, 537 है, फिर सिटी वॉशमैन का है 338,18,356, फिर सिटी बारबर का 123,730, सिटी स्वीपर का है 617,33,650, फिर कारपेंटर का है 13,13, फिर पेंटर का है 3,3, इलेक्ट्रीशियन का है 4,4, फिर सिटी ड्रग्समैन का है 1,1, वाइटर का है 6,6, और सिटी मेल का है 4,4। तो टोटल पोस्ट होते हैं हमारे 2651 प्लस 137, तो टोटल पोस्ट हुए हमारे 87, यानी कि आप देख सकते हो मेल के लिए कितना दिया गया और फीमेल के लिए कितना दिया गया। उसके बाद होता है मेरे भाई कि फीस कितनी लगती है एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई करने के, तो फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स, तो जो जनरल हैं, OBC हैं और EWS हैं, तो उनके लिए 100 रुपया रखा गया, और ST SC के लिए आप लोगों को पता है कि उनका कोई नहीं है, कुछ नहीं लगेगा। तो उसके बाद है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि हाइट चेस्ट वेट कितनी लगेगी। तो मेरे भाई कैटेगरी SC आदिवासी के लिए है, ऑल स्टेट के लिए है, ये पूरे भारत के लिए भर्ती है BSF की। तो SC और आदिवासी के लिए कितनी लगती है, तो SC और आदिवासी के लिए हाइट है 62.50 और चेस्ट है उनका 76 से 81 सेंटीमीटर, और हाइट 100, फीमेल के लिए जो फीमेल हैं उनके 150 सेंटीमीटर है। उनके बाद आता कि जो गरवालिस होते हैं, गोरखास होते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाका से होते हैं, तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है, और 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट होती है, और जो पहाड़ी इलाका से फीमेल होते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। उसके बाद होती है कुमानियस महाराष्ट्र एंड पर्सन हेलिंग फ्रॉम हिल आर्क एरियाज इत्यादि, तो ऑल अदर स्टेट्स एंड UTS, तो जो सभी के लिए है, मतलब जो जनरल से होते हैं और OBC या WES से होते हैं, तो उनके लिए 67.50, यानी कि पूरी मान लो तो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट हो गई, और 78 से 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होती है, और फीमेल जो होते हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद है कि BSF सिटी ट्रेड्समैन 2022 एडुकेशन क्या क्या है, तो मेट्रिकुलेशन पे, ये पूरे भारत के लिए 10वीं पास पे है, तो जिन भाइयों का 10वीं पास है वो ये अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें देखिए क्या कहा गया है कि 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स,
मतलब जो भी आप अगर कुक का भर रहे हो, बार बार का भर रहे हो या जो भी हो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सर्टिफिकेट के साथ मांगा गया है। और जो भाई देखो इलेक्ट्रिशियन से या कुछ से होते हैं तो उनके लिए 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वॉक्सिनिकल इंस्टीट्यूट विथ एट लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। तो जो भाई इलेक्ट्रिशियन से होते हैं या मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से, मतलब आपको मैं बताया था इनके लिए हो गया, पेंटर के लिए होगा, इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो इन लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद तो मेरे भाई आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोगों को पता ही होगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो आप देखें और कैसी लगी कॉमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगले वीडियो में जल्दी मिलते, तथा आपने तैयारी में लगे रही और